ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है और इस तरह की कहानी आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी। एक दूसरे से अलग, भरोसे और कभी हार न मानने के जज्बे की कहानी है ये। ये कहानी है डेविड और गोलायत की और ये शुरू होती है यहाँ खिलखिलाती धूप में हरे भरे मैदान के बीच। हे ऊपर वाले, इस सुंदर दिन के लिए तेरा शुक्रिया। ये है डेविड, रहम दिल, भगवान में यकीन रखने वाला और खुशमिजाज चरवाहा। ये 8 भाइयों में से सबसे छोटा था और पूरा दिन भेड़ बकरियां चराने में निकाल देता था। और उसके भाई देश की फौज के सैनिक थे जो ज्यादातर युद्ध के मैदान में दिखते थे। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि डेविड, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम ये खाना अपने भाइयों को दे आओगे? जी पिताजी, मुझे अपने भाइयों तक ये खाना पहुंचाने में खुशी मिलेगी, प्लीज आप आराम कीजिए। डेविड घर से निकल गया और जल्दी ही उस जगह पहुंच गया जहां युद्ध हो रहा था। सूरज छिपने वाला था और नियमों के मुताबिक दोनों सेनाएं विश्राम गृह में पहुंच चुकी थी। पता है ना कि ये सिर्फ दिन के दौरान लड़ते हैं और दिन ढलते ही युद्ध बंद हो जाता है। डेविड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। आज तुम क्यों खाना लेकर आए हो? पिताजी कहाँ हैं? ये यहाँ जरूर हमारी हालत पर हंसने आया है। हम बिना रुके दुश्मन से लड़ रहे हैं और ये सारा दिन खेतों में बैठकर आराम करता है भेड़ बकरियों के साथ। भैया, असल में चुप करो, खाना दो और चले जाओ यहाँ से। डेविड को बहुत बुरा लगा कि उसके भाइयों ने उसे गलत समझा, पर उसे पता था कि वो युद्ध की वजह से थके हुए थे और परेशान थे। उसने जाना ही सही समझा। पर तभी जमीन में कंपन हुई और एक परछाई ने उन्हें ढक लिया। डेविड ने सर उठाया उस लंबे चौड़े आदमी को देखने के लिए जो 9 फुट लंबा था। उसने स्टील का कवच और मोटा सा हेलमेट पहना हुआ था। उसके हाथ में बड़े बड़े हथियार थे और उसने अपने सैनिकों को दांत चबाते हुए बड़े ही गुस्से से देखा। ये कौन है? डेविड के भाइयों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक सैनिक को उसके बारे में बुरा लगा और उसने डेविड को उस लंबे चौड़े आदमी के बारे में बताया। उसका नाम गोलायत है और वो एक बादशाह है। पिछले 40 दिनों से वो हर रोज दोपहर में आता है और हमें लड़ाई के लिए ललकारता है, और उसके शरीर को देखकर हमारा कोई भी सैनिक उसके सामने नहीं जाता। गोलायत इसी बात का फायदा उठा रहा है और उसकी फौज भी। एक और दिन बीत गया है, अभी तक तुम्हारे सैनिकों में से किसी ने भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की। मैं और इंतजार नहीं करूंगा, मेरा सब्र अब टूट रहा है। किसी दिन मैं खुद ही तुम में से किसी एक को चुनूंगा और हमारे बीच लड़ाई होगी। हाँ। ऐसा कहकर वो दानव चला गया। डेविड ने अपने देश के सैनिकों की तरफ देखा और उसे बहुत बुरा लगा। ये सबको ऐसे धमका कैसे सकता है? हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? उस दिन जब सैनिक अपने टेंट्स में वापस गए, डेविड राजा से बात करने पहुंचा। महाराज, मेरा नाम डेविड है और मेरे सारे भाई आपकी फौज में सैनिक हैं। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करें। सुनो बच्चे, आसपास देखो, मैं अभी कोई भी इच्छा पूरी करने की हालत में नहीं हूं। मैं आपसे यहां गोलायत से लड़ने की इजाजत मांगने आया हूं। राजा सुनकर हैरान हुए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगता। राजा ने एक पल के लिए सोचा, वो सच में चाहते थे कि कोई गोलायत से लड़े, पर उन्होंने सोचा, डेविड? अच्छा तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना गोलायत से लड़ने का अंजाम क्या हो सकता है?
डेविड ने कुछ नहीं कहा, बस उसने सिर झुकाया और वो चला गया। फिर वो अगले दिन सुबह वापस आया। सैनिकों ने उसे कवच पहनाने की कोशिश की, पर कोई भी उसे फिट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, भगवान मेरे रक्षा कवच है। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया और नदी किनारे जाकर बैठा। वहां उसने गुलेल के लिए रुमाल में कुछ पत्थर बांधे और फिर उसने ऊपर आसमान में देखा और वो प्रार्थना करने लगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, खुद से ज्यादा। और फिर वो युद्ध के मैदान में गया जहां बेसब्र गोलायत उसका इंतजार कर रहा था। ये क्या? ये क्या है? मैंने तो सोचा था कोई ताकतवर योद्धा होगा और तुमने इस डंडी को भेज दिया। ये कोई मजाक है क्या? इतना घमंड अच्छा नहीं होता। तुम क्या खुद को सबसे ताकतवर इंसान समझते हो? पता है दुनिया में सबसे ताकतवर सिर्फ भगवान है। देखते हैं। गोलायत ने अपनी मयान से तलवार निकाली और बहुत जोर से दहाड़ा। वो डेविड को डराने की कोशिश कर रहा था, पर डेविड बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने अपने पत्थर बाहर निकाले, उन्हें गुलेल में रखा और घुमाकर उस दानव की तरफ फेंक दिए। गोलायत के पलक झपकने से पहले ही गुलेल से निकला पत्थर तेज हवा की तरह फरफराते हुए सीधा जाकर उसके माथे पर लगा और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। हो, लाजवाब, क्या बात है? सभी हैरान थे और दुश्मन ने जो नहीं सोचा था वो हो गया और दुश्मन रफू चक्कर हो गए। सबने डेविड को अपने कंधों पर उठा लिया और वो बहुत खुश थे। तुम्हारा शुक्रिया डेविड, तुम वाकई सबसे बहादुर हो। मुझे शुक्रिया मत कहिए महाराज, ऊपर वाले को कहिए, क्योंकि वो ही हैं जिन्होंने दुश्मन को हराया है। मैं तो बस एक जरिया था महाराज। राजा डेविड का ऊपर वाले में उसका यकीन देखकर बहुत खुश हुआ। एक राजा के लिए ये कहना आसान नहीं होता कि उसके राज्य के एक आम इंसान ने उसे बहुत बड़ा सबक सिखाया है, पर मैं उन राजाओं में से नहीं हूँ। तुमने बहादुर डेविड मुझे सिखाया है, बल्कि हम सबको सिखाया है कि यकीन हमें उम्मीद देता है, यकीन हमें ताकत देता है, और इन सबसे भी ऊपर यकीन हमें हिम्मत देता है मुश्किल से भी मुश्किल घड़ी का सामना करने की।